रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के ग्राम कहुला में आजादी का अमृत महोत्सव जल संरक्षण अनुष्ठान के तहत जल अभिषेक अभियान की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। अभियान के तहत प्रदेश भर में 5,000 नए अमृत सरोवर, जिनको 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा, साथ ही पुराने 10,000 तालाबों के लिए 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए आह्वान किया, साल में एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे वर्षा अच्छी हो, धरती को पानी भी मिलता रहे। शिवराज सिंह बेटियों का भरोसा दिलाया, मामा के रहते हुए फीस की दिक्कत नहीं, जितनी भी फीस लगे मध्य प्रदेश की सरकार तुम्हारा मामा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा, माफियाओं को छोड़ूंगा नहीं। चेक डैम बनाएंगे, स्टाफ डैम बनाएंगे, बोरी बंधन बनाएंगे, खेत तालाब बनाएंगे, ताकि पानी वर्षा का जो व्यर्थ बहकर चला जाता है उसको रोक कर धरती माता के पेट में भेज सके, जिससे भूजल का स्तर ऊंचा उठ सके। और भूजल का स्तर बढ़ेगा तो सिंचाई भी ठीक से होगी, पीने का पानी भी ठीक से मिलेगा और बाकी समस्याओं का समाधान भी होगा। और इसलिए आज से मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ हो रहा है। हम 5,000 नए तालाब बनाएंगे और 10,000 पुरानों का जीर्णोद्धार भी करेंगे और उसके अलावा अन्य जल संरचनाएं भी हम मतलब पूरे मध्य प्रदेश की जनता बनाएंगे। रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।